Dear students, welcome to the last series of corrosion. आपका स्वागत है corrosion की last series में, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं theories of passivity. क्या कारण है passivity के, वो कैसे होता है, तो उसको हम detail में discuss करने वाले हैं one by one. क्या क्या theories हैं for passivity of metals. There are main four theories for explaining passivity of metals. Metals की passivity को explain करने के लिए main चार theories है. पहली theory है gaseous film theory. So first theory is gaseous film theory. दूसरी theory जो है वो है physical theory. तीसरी theory है oxide layer theory. एंड लास्ट थ्योरी इज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन थ्योरी, जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक इंटरप्रिटेशन की फॉर्म में भी देखेंगे. तो ये चार मेन थ्योरी हैं जिनको वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे. सो दिस इज द फर्स्ट थ्योरी ऑफ पैसिविटी, गैसियस थ्योरी. गैसियस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है कि ये जो गैसियस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो मेटल की सरफेस है वहां पर क्या होगा, गैसियस फिल्म बन जाएगी उसकी सरफेस पर. वो गैसियस फिल्म क्या हो सकती है, वो ऑक्सीजन की हो सकती है, ऑक्सीजन गैस की हो सकती है, नाइट्रिक ऑक्साइड की हो सकती है, या फिर किसी दूसरी गैस की हो सकती है. तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये एक गैस का फॉर्मेशन होता है सरफेस में, और उसकी वजह से वो मेटल की जो सरफेस है वो क्या हो जाती है, पैसिव. लेकिन इस थ्योरी की कुछ लिमिटेशंस थी, जिसकी वजह से फिर कुछ नई थ्योरीज आई. तो उनकी लिमिटेशन क्या थी इस थ्योरी की, कि ये जो थ्योरी है इट कैन नॉट एक्सप्लेन द पैसिविटी ऑफ लेड इन H2SO4. तो एक तो ये है कि ये लेड में, लेड की पैसिविटी H2SO4 में इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाई. दूसरा, ये आयरन की सरफेस स्क्रैच करने से उसकी पैसिविटी कम हो जाती है, इसके बारे में एक्सप्लेन नहीं कर पाई कि ये क्यों होता होगा ऐसा. तो सिर्फ इन्होंने इतना बताया इस थ्योरी में कि ये अगर एक मेटल है, अगर उसके ऊपर गैस कलेक्ट हो जाती है तो उसमें गैस की लेयर बन जाएगी, और उसको हम क्या कहेंगे, इसको हम पैसिव मेटल कहने लगेंगे, क्योंकि उसके ऊपर गैस की लेयर आ गई है. तो ये क्या है, गैसियस थ्योरी. लेकिन ये फेल हो गई. इसके बाद फिर नेक्स्ट जो थ्योरी आई वो थी फिजिकल थ्योरी. जो सेकेंड थ्योरी है वो है फिजिकल थ्योरी. अब फिजिकल थ्योरी को भी फर्दर तीन तरीके में डिवाइड किया गया है. फिजिकल थ्योरी जो है वो तीन तरीके से इसको डिफाइन किया गया है. एक है कैटालिटिक थ्योरी, ये फिजिकल थ्योरी का पार्ट है. तो कैटालिटिक थ्योरी का मतलब है कि ये जो पैसिविटी है इसके लिए किसकी जरूरत होती है, कैटालिस्ट की जरूरत होती है. इस थ्योरी के अकॉर्डिंग है कि अगर प्योर आयरन लें तो वो कैसा होता है, पैसिव होता है. लेकिन इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की प्रेजेंस में कैसा हो जाता है, एक्टिव, एक्टिव हो जाता है. तो इसका मतलब यहां पर जो हाइड्रोजन है वो किसकी तरह एक्ट कर रहा है, एक कैटलिस्ट की तरह एक्ट कर सकता है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी. इस थ्योरी का मानना था ऐसा. लेकिन इस थ्योरी को का भी फेलियर था. फेलियर क्या था, कि एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि ऐसा क्यों होता है, क्यों प्योर में पैसिवनेस होती है, और क्यों अगर कुछ और उसमें कैटलिस्ट की तरह ऐड हो जाता है तो वहां पर जो मेटल है वो एक्टिव हो जाता है. तो इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाई. फिर दूसरी जो थ्योरी थी, इसी का पार्ट थी फिजिकल थ्योरी की, वो थी वैलेंस थ्योरी. तो वैलेंस थ्योरी क्या थी, अकॉर्डिंग टू दिस वैलेंस थ्योरी, भाई कुछ ना कुछ समझाने की कोशिश करी हर थ्योरी में. तो यहां पर ये समझाया गया कि जैसे जो एक वैलेंस स्टेट होगी मेटल्स की, कोई स्टेट तो स्टेबल होगी और कोई स्टेट जो है वो स्टेबल नहीं होगी, कोई स्टेट एक्टिव होगी, कोई स्टेट क्या होगी, पैसिव होगी. तो जैसा इस थ्योरी के अकॉर्डिंग बताया गया कि अगर आयरन की टू स्टेट होगी, फेरस स्टेट होगी, तो वो एक्टिव होगा, उसका कोरोजन हो जाएगा, और अगर उसकी स्टेट जो है वो Fe3+ होगी तो वो क्या होगा, पैसिव होगा, वो रिएक्ट नहीं करेगा फर्दर. तो ये स्टेट बेस्ड तो बताया, लेकिन ये थ्योरी पैसिविटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाई. हर एक मेटल के लिए हम इस थ्योरी को यूज नहीं कर सकते. तो थ्योरी वो ज्यादा बेटर होती है जो लगभग सारी पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लेन कर पाए. फिर एक थ्योरी और आई इसी की, फिजिकल की जो तीसरी थ्योरी थी वो थी एलोट्रोपिक थ्योरी. और एलोट्रोपिक थ्योरी में ये देखा गया कि जो एक्टिव मेटल्स होते हैं,
दे बिकम पैसिव ड्यू टू स्टेबल एलोट्रोपिक चेंजेस। तो ये थ्योरी जो दी गई इसमें ये कहा गया है कि जो एलोट्रोपिक फॉर्मेशन होता है अगर स्टेबल तो फिर पैसिविटी आ जाती है मेटल में। तो अगर आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। ये देखिए ये फिजिकल थ्योरी किस में डिवाइड की गई है, कैटालिटिक थ्योरी में, वैलेंस थ्योरी में, और जो तीसरी इसकी थ्योरी है वो है एलोट्रोपिक थ्योरी। तो ये तीन थ्योरीज हैं जिसमें इसको डिवाइड किया गया है फिजिकल थ्योरी को। और नेक्स्ट थ्योरी जो आई इसके बाद वो थी ऑक्साइड लेयर थ्योरी। ये है ऑक्साइड लेयर थ्योरी। तो इस ऑक्साइड लेयर थ्योरी के अकॉर्डिंग जो मेटल की सरफेस होगी वो क्या होगी, ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगी, और ऑक्सीडाइज होके क्या बनाएगी, एक थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड बनाएगी। तो इस थ्योरी का फंडा ये था कि एक मेटल की सरफेस पर ऑक्साइड की लेयर बन जाएगी क्योंकि मेटल ऑक्साइड से रिएक्ट करेगा, और ये जो लेयर बनेगी ये कम्प्लीटली शील्ड करेगी मेटल को कोरोजन से। ये जो ऑक्साइड की लेयर है इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कंप्लीट शील्डिंग ऑफ मेटल फ्रॉम कोरोजन। तो ये कोरोजन से मेटल को शील्ड करेगी। और अब क्या हुआ कि कुछ लोगों ने, और दूसरा हम ये देख सकते हैं कि ये एनोड पर भी पॉसिबल है, क्योंकि आपने देखा इससे पहले हमने देखा जो एनोड है एनोड पर भी ये रिएक्शन हो सकती है और वो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर सकता है और उसकी जो सरफेस है वहां पर क्या बन सकता है, ऑक्साइड, जो कि उसको पैसिव बना देगा। लेकिन कुछ एक बीच में 1898 में एक थ्योरी में थोड़ा सा कुछ समय के लिए ब्रेक लग गया, क्योंकि हिटॉफ आए, उन्होंने ये कहा कि नहीं, हम ये नहीं कह सकते कि ऑक्साइड की ही लेयर बन रही होगी। उनके अकॉर्डिंग लेयर जो है वो किसी और दूसरे सब्सटेंसेस की भी हो सकती है, जैसे फॉस्फेट्स की हो सकती है, सिलिकेट्स की हो सकती है, नाइट्राइट्स की हो सकती है। तो काफी समय तक ये चलता रहा कि हो सकता है कि ऑक्साइड लेयर ना हो, कुछ और लेयर हो। तो इसके लिए लेकिन कुछ एविडेंसेस मिले कि यहां पर मेटल की सरफेस पर ऑक्साइड लेयर का ही फॉर्मेशन होता है, और हिटॉफ का जो प्रोटेक्टिव लेयर थ्योरी थी उसको फिर चेंज किया गया कि नहीं, ऑक्साइड लेयर थ्योरी है, क्योंकि कुछ एविडेंसेस मिले जिसमें देखा गया कि यहाँ पर जो मेटल की सरफेस है वहाँ पर ऑक्साइड की लेयर बनती है जो कि प्रोटेक्टिव लेयर का काम करती है, और वो मेटल को या एलॉय को क्या बनाती है, पैसिव बनाती है। तो देखिए क्या क्या एविडेंसेस मिले। एक एविडेंस तो ये है कि द प्रोटेक्टिव लेयर इज अनस्टेबल। जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है वो अनस्टेबल होती है मैकेनिकली एंड केमिकली। तो अगर कोई केमिकल इसमें डाल दिया जाए प्रोटेक्टिव लेयर में जो स्पेसिफिकली इस पर अटैक कर दे तो फिर वो लेयर डिस्ट्रॉय हो सकती है और वो पैसिव मेटल जो है एक्टिव में बदल जाएगा। मैकेनिकली जैसे हम उसको स्क्रैच कर दें तो फिर वो फिर से क्या बन जाएगा, एक्टिव बन जाएगा। तो ये इसको एविडेंस है कि वो ऑक्साइड ही होगा जिसको हम क्या कर सकते हैं, स्क्रैच कर सकते हैं। फिर देखिए जो ऑक्साइड लेयर होती है वो टेम्परेचर सेंसिटिव होती है जनरली। तो अगर आयरन को हमने कंसंट्रेटेड HNO3 में डाला और टेम्परेचर 75 डिग्री सेंटीग्रेड रख दिया तो ये एक्टिव हो जाएगा आयरन, और ये डिजोल्यूशन शुरू हो जाएगा आयरन का। लेकिन अगर टेम्परेचर 75 डिग्री से कम रखेंगे तो फिर ये पैसिव रहता आयरन, और ये क्या बना देता है, आयरन ऑक्साइड बना देता है, आयरन ऑक्साइड की लेयर बना देगा सरफेस पे आयरन। तो ये टेम्परेचर डिपेंडेंट भी होता है जो ऑक्साइड लेयर है। तो ये एविडेंस है क्योंकि ऑक्साइड्स जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं, और जब ऐसा एक्सपेरिमेंट करके देखा गया कि आयरन को कंसेंट्रेटेड HNO3 में 75 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया गया तो वो रिएक्ट कर पा रहा था, वो घुलने लग गया था। लेकिन अगर उसको ठंडे में रखें 75 डिग्री से नीचे टेम्परेचर रखें तो फिर वो क्या करता है, ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है, इसकी लेयर बन जाएगी। किसकी लेयर बनेगी, Fe2O3 की लेयर बन जाएगी आयरन के सरफेस पे, तो वो उसको प्रोटेक्ट करेगा। देन आप देखेंगे कि जो तीसरा एविडेंस है वो ये है कि आयरन बिकम पैसिव विद अदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स ऑल्सो, जैसे नाइट्रेट क्रोमिक एसिड के साथ भी ये पैसिव होता है, लेकिन वहां पर भी ये क्या बनाता है, ऑक्साइड फिल्म बनाता है, वहां पर भी ये क्या फिल्म बनाता है, ऑक्साइड।
तो इसका मतलब है कि जो ऑक्साइड थ्योरी थी वो सबसे ज्यादा प्रचलित थ्योरी रही इसकी पैसिविटी को डिस्क्राइब करने की। कुछ इस तरीके की ऑक्साइड लेयर बनती है, ये मेटल की सरफेस है, और मेटल की सरफेस पर क्या बन जाएगा, देखिए ये मेटल का ऑक्साइड, मेटल का जो सरफेस का जो मेटल था उसने ऑक्साइड से रिएक्शन करके क्या बना दिया, मेटल ऑक्साइड। तो ये एक लेयर बन गई, ये दिखती नहीं है इतनी बड़ी, बट ये जो लेयर है ये फर्दर अटैक नहीं होने, देखिए शील्ड, एक ये ढाल बन गई, इस मेटल की ढाल बन गई। अब यहां से अगर कुछ अटैक करना चाहेगा तो नहीं कर पाएगा, क्योंकि बीच में क्या है, ये लेयर है, तो इस मेटल पर अटैक नहीं हो पाएगा। तो ये मेटल कैसा हो गया, पैसिव, ये रिएक्ट नहीं कर पाएगा। तो ये इस ऑक्साइड लेयर की वजह से दिस मेटल सरफेस बिकम पैसिव। तो ये ऑक्साइड थ्योरी है जिसने बताया कि ऑक्साइड की फिल्म बनती है मेटल की सरफेस पर। फिर जो चौथी थ्योरी दी गई पैसिविटी को डिफाइन करने के लिए, वो थी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थ्योरी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थ्योरी के अकॉर्डिंग जो एक्टिव और पैसिव मेटल्स को हैं उनको डिवाइड कर दिया गया अकॉर्डिंग टू देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो सबसे पहले तो इस थ्योरी में ये बताया गया कि जो पैसिव मेटल्स होते हैं वो जनरली ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं। ट्रांजिशन मेटल्स आर पैसिव मेटल्स, जैसे कि क्रोमियम, निकेल, कोबाल्ट, आयरन, मॉलिब्डेनम, टंगस्टन, ये क्या होते हैं, पैसिव मेटल्स होते हैं। अब ट्रांजिशन मेटल में भी कौन से मेटल हैं जो कि पैसिव होंगे और कौन एक्टिव होंगे, तो उसको डिफाइन किया गया इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से। ट्रांजिशन मेटल देखिए किस किस तरीके के हो सकते हैं, उनका जो डी ऑर्बिटल है वो इनकम्प्लीटली फिल्ड हो सकता है, या वो जो इनकम्प्लीटली फिल्ड है वो क्या कर सकता है, कोशिश कर सकता है कि वो फिल हो जाए। तो जो कोशिश करेगा फिल हो जाए, इसका मतलब है जो इनकम्प्लीटली ऑर्बिटल वाला जो मेटल है वो क्या है, पैसिव होता है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी जो इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल वाले मेटल्स होते हैं वो पैसिव होते हैं, और जो कम्प्लीटली फिल्ड वाले मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक्टिव मेटल्स होते हैं। इस तरह से डिवाइड किया गया इनको अकॉर्डिंग टू देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पैसिव मेटल्स जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, इनकम्प्लीटली फिल्ड, और एक्टिव मेटल्स वो होंगे जिनका कम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल होगा। तो ऐसे हम इनको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पर इनको हम डिवाइड कर सकते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ पैसिविटी। पैसिविटी के फायदे क्या हैं, पैसिविटी के बहुत सारे फायदे हैं, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन हैं इसकी कई सारी, कई सारे नुकसान भी हैं। जैसे अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पर हम काम कर रहे हैं और वहाँ पर अगर एक एनोड पैसिव हो जाता है तो वो फिर जो प्रोडक्ट हमें डिजायर्ड चाहिए था वो नहीं हो पाएगा, तो वहाँ पर तो नुकसान है, लेकिन कई सारे फायदे हैं, एप्लीकेशन है इसकी पैसिविटी की। तो पहला एप्लीकेशन क्या है इसका, वाटर ट्रीटमेंट या सीवेज ट्रीटमेंट में। तो इसको हम यूज कर सकते हैं पैसिविटी को वाटर ट्रीटमेंट या सीवेज ट्रीटमेंट में। जैसे फ्लोरीन जो है वो फ्लोराइड की फॉर्म में वाटर में होता है, अगर हम निकल से ट्रीट कराएं इसको तो ये क्या बनाएगा, NiF2 पैसिव टाइप का एक लेयर बना देगा, तो ये वाटर सीवेज ट्रीटमेंट के काम आता है। दूसरा अगर हम देखेंगे ये किस में काम आता है, फॉर प्रिजर्विंग एंड मेंटेनिंग अपीरियंस ऑफ मेटल और एलॉयज। ये हमने जब इलेक्ट्रोप्लेटिंग की रही थी तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब भी यही है कि हम उस एक एक्टिव मेटल के बाहर से एक ऐसा मेटल लगा देंगे जो इनएक्टिव होगा, नोबल होगा, तो वो क्या करेगा, एक तो उसकी सुंदरता को बढ़ाएगा और दूसरा उसको प्रोटेक्ट करेगा। तो पैसिविटी का फायदा यह है कि हम उसको उसकी अपीरियंस को क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं, और उसको डेकोरेशन में यूज कर सकते हैं हम पैसिवेशन। तो पैसिवेशन तो हम जितने मेथड हमने कोरोजन को रोकने के पड़े वही पैसिवेशन को बढ़ाने के मेथड भी हम कहेंगे। कोरोजन को रोकना मतलब पैसिवेशन को बढ़ाना, तो वही मेथड है जिनकी हेल्प से हम पैसिव मेटल बना सकते हैं। और आपने देखा था उनका कितना यूज था कि अगर हम एक मेटल को, तो हम एक नंबर वन बात तो हम उसको कोरोजन से बचा रहे हैं। सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट जो एस्पेक्ट है पैसिविटी का वो क्या है, हम उसको कोरोजन से उसको बचा रहे हैं। तो वो पॉइंट हमने इसमें यहाँ नहीं डाला है, इंडस्ट्रियल पॉइंट्स यहाँ पर डाले हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आप लिख सकते हैं
कि अगर हम किसी मेटल को पैसिव बना रहे हैं तो इसका मतलब हम उसमें कोरोजन को कम कर रहे हैं, उसकी रिएक्टिविटी को कम करना मतलब उसमें कोरोजन को कम करना। फिर एक जो बड़ा इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है वो है देखिए इसका पैसिविटी का, फोटोवोल्टिक्स में। फोटोवोल्टिक्स में क्या होता है कि जो सोलर सेल्स होते हैं, सोलर सेल्स में क्या होता है सरफेस रिकॉम्बिनेशन होता है। अब ये तो फिजिक्स की बात है, सरफेस रिकॉम्बिनेशन की वजह से ये सोलर सेल का लॉस मैकेनिज्म है। अगर किसी तरीके से ये लॉस मैकेनिज्म को कम किया जाए तो फिर सोलर सेल अच्छा काम करेगा। तो इसको जो हम क्या करते हैं, जो सोलर सेल है उसके सरफेस को पैसिवेट करते हैं विद सम सिलिकॉन नाइट्राइड, सिलिकॉन ऑक्साइड, इस तरीके के ऑक्साइड से नाइट्राइड से हम उसकी सरफेस को प्रोटेक्ट करेंगे, पैसिवेट करेंगे ताकि लॉस मैकेनिज्म ना हो उसमें सोलर सेल में। तो फोटोवोल्टिक्स में इसका यूज। फिर एक जो यूज है इसका इंडस्ट्रियल यूज अगर हम देखेंगे तो इंडस्ट्रियल यूज क्या है, वो है कि स्टोरेज ऑफ H2O2 इन एल्यूमिनियम कंटेनर्स। अगर एल्यूमिनियम कंटेनर्स में हमें क्या स्टोर करना है, H2O2, हाइड्रोजन परऑक्साइड को स्टोर करना चाह रहे हैं एल्यूमिनियम कंटेनर में, तो हमें क्या करना होगा, वो जो कंटेनर है उसको क्या बनाना पड़ेगा, इनएक्टिव बनाना पड़ेगा, पैसिव बनाना पड़ेगा। उसको पैसिव कैसे बनाते हैं, उसको पैसिव बनाते हैं उसमें डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन से वॉश करते हैं उसको, उसके बाद उसको हाइड्रोजन परऑक्साइड से उसको वॉश करते हैं। उसके साथ साथ किससे वॉश करते हैं, डीआयनाइज्ड वाटर से। तो जो एल्यूमिनियम का कंटेनर है पहले उसको पैसिव बनाना है, उसकी इनर वॉल, ताकि हम उसमें H2O2 को स्टोर कर सकें। तो हम क्या करते हैं, उसको पैसिवेट करेंगे, डाइल्यूट HNO3 से उसको वॉश करेंगे, परऑक्साइड से वॉश करेंगे और डीआयनाइज्ड वाटर से वॉश करेंगे। तो ये परऑक्साइड क्या करता है, इट डिजॉल्व्स इम्प्योरिटीज। अगर कोई भी इम्प्योरिटी एल्यूमिनियम में है तो उसको डिजॉल्व कर लेगा। और डीआयनाइज्ड वाटर क्या करेगा, जो एसिड या ऑक्सीडाइज्ड इम्प्योरिटीज है उनको रिमूव करता है। तो टोटल हम ये कहेंगे कि जितनी भी इम्प्योरिटीज हैं उस कंटेनर में उनको वो रिमूव करने का काम करता है, ताकि H2O2 को फिर हम सेफली एल्यूमिनियम कंटेनर में रख सकें। तो उसकी जो इनर वॉल है उसको क्या कर देते हैं, पैसिवेट करते हैं। तो आप ये देखेंगे, अगर हम कंक्लूजन करें इस चैप्टर का, इस टॉपिक का, तो आप देखेंगे हमने पढ़ी इस चैप्टर में हमने पढ़ी थ्योरीज ऑफ पैसिवेशन, डिफरेंट थ्योरीज ऑफ पैसिवेशन आपने पढ़ी, पैसिविटी की थ्योरीज पढ़ी, और उन थ्योरीज में पढ़ा कि चार तरीके की थ्योरी हमने पढ़ी, गैसियस थ्योरी पढ़ी, फिजिकल थ्योरी पढ़ी, ऑक्साइड लेयर थ्योरी पढ़ी और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थ्योरी पढ़ी, जिसमें जो मेन थ्योरी है वो क्या है, ऑक्साइड लेयर थ्योरी। तो ऑक्साइड लेयर थ्योरी एक्सेप्टेबल थ्योरी है, जिसमें कि जो मेटल है उसकी सरफेस पर क्या हो जाता है, ऑक्साइड की लेयर डिपॉजिट हो जाती है, वो चाहे इलेक्ट्रोकेमिकल पैसिविटी हो या केमिकल पैसिविटी हो या मैकेनिकल पैसिविटी हो, तीनों को एक्सप्लेन कर सकता है ऑक्साइड लेयर थ्योरी। और आप देख सकते हैं कि पैसिविटी का एक बहुत बड़ा फायदा है कि इसको, इस पैसिविटी की वजह से कोरोजन रिड्यूस होता है। और इंडस्ट्रियल इसकी इंपॉर्टेंस है वाटर ट्रीटमेंट में, सीवेज ट्रीटमेंट में, और जो एलॉयज और मेटल्स हैं उनकी अपीयरेंस को बढ़ाने में, सोलर सेल्स में आप देख रहे हैं, स्टोरेज ऑफ सम केमिकल्स लाइक H2O2, इसमें इसका एप्लीकेशन है पैसिविटी का। तो मैं समझती हूँ कि आपको आज अच्छी तरीके से आ जाना चाहिए कोरोजन और पैसिविटी के बारे में, क्योंकि कोरोजन और पैसिविटी एक सिक्के के दो पहलू हैं। कोरोजन का अपोजिट क्या है, पैसिविटी। तो ये दोनों ही अपने आप में इम्पॉर्टेंट हैं, इंडस्ट्रियली इम्पॉर्टेंट ये पार्ट है। तो अगर आपको पसंद आ गया है तो आप इसको लाइक भी कर सकते हैं और आप इसको शेयर कर सकते हैं इन वीडियोस को, और आपके जो क्वेश्चंस हैं, जो कमेंट्स हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जो आपको कहीं पर समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच।